आयत का प्रोजेक्ट। हम आयत का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। हम आयत के प्रोजेक्ट की बात करेंगे आज, ठीक है। आयत एक ज्यामिति आकृति इसकी कैसी होती है, ये आयत है, ये आपका आयत है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये एक आयत है। ए बी इसकी लंबाई है, डी सी लंबाई है, ए डी चौड़ाई है, बी सी चौड़ाई है, और ये ए बी सी डी जो एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति है, इस चतुर्भुज का विशेष और स्पेशल नाम है आयत। इसे हम आयत कहते हैं, इस चतुर्भुज को आयत कहा जाता है। आयत के गुण धर्म नंबर एक, आयत के गुण धर्म की अगर हम बात करें, अब हम आयत के गुण धर्म की बात करते हैं, नंबर एक सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या समान लंबाई की होती है, या बराबर होती हैं, है ना। प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। नंबर तीन पे एक दो तीन चार, चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, एक दो तीन चार, चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती है। इसकी चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, और प्रत्येक चार कोण होते हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसमें कोण भी कितने होते हैं, लिख दो, चार कोण होते हैं, चार कोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई की माप चौड़ाई से अधिक होती है, चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई की माप चौड़ाई से अधिक होती है।
चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, परिमाप कहलाता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है ना। अब आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई है ना। परिमाप की इकाई क्या है? परिमाप की का मात्रक, परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर तथा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग। तथा क्षेत्रफल का मात्रक, तथा क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से हमने आपको आयत का प्रोजेक्ट बनाना सिखाया कि आयत एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, ये चार भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है, चारों भुजाओं द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है, चारों भुजाओं के द्वारा घेरा गया स्थान, ये जितना स्थान इसने घेरा है, चारों भुजाओं के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है, तथा चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, तथा चारों भुजाओं द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है, इस अंदर वाले एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होती है, परिमाप की इकाई सेंटीमीटर या मीटर होती है, और इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई तथा परिमाप दो कोष्टक शुरू लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से आपका आयत का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, बेल की घंटी दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए।